वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ऑपरेशन विजय के तहत टाइगर हिल और टोलो लिंक की लड़ाई के रजत जयंती स्मारक समारोह में शामिल हुए। बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि आज हम एक ऐतिहासिक पल में मौजूद है, जहां हम 25 साल पहले हमारे जवानों द्वारा टाइगर हिल पर झंडा फहराने के सुनहरे पल को याद कर रहे हैं। वहीं 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल पर ही नहीं बल्कि टोलो लिंग व अन्य ऐसी कठिन चोटियों पर अपना परचम लहराया है। वहीं इस विजय से लड़ाई का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई है। आज इस अवसर पर मैं उन सूर वीरों को भी याद करना चाहता हूं जो हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम एक ऐतिहासिक पल में मौजूद हैं, जब हम 25 साल पहले हमारे बहादुर जवानों द्वारा टाइगर हिल पर झंडा फहराने के सुनहरे पल को याद कर रहे हैं। 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल पर ही नहीं बल्कि टोलोलिंग और हम्प जैसी कठिन चोटियों और पहाड़ियों पर अपना परचम लहराया। इस विजय से लड़ाई का रुख बदलने में अहम भूमिका निभाई गई। 18 ग्रेनेडियर्स के वर्तमान पीढ़ी के अधिकारी और जवान इस विरासत के निर्माण के प्रत्यक्ष रूप से भले ही योगदान उनका ना रहा हो, परंतु आज सब आप इस धरोहर के भागीदारी हैं। हमारे पूर्व काल के लोगों ने, अर्थात के हमारे जो वेटरन्स हैं आपकी यूनिट के द्वारा सेना में सभी क्षेत्रों में सतर्क भूमिका निभाई और उन्होंने जो है निस्वार्थ कर्तव्य से अपना योगदान दिया है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं उन यूनिट के शूरवीरों के बलिदान को भी याद करना चाहता हूं जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिन्होंने लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी